दक्षिण भारत का कोथली ग्राम, जहां भारत गौरव आचार्य श्री 108 देशभूषण जी महाराज ने जन्म लिया, तो वहीं दिगंबर श्रमण परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने नश्वर शरीर का परित्याग किया। ऐसे प्रथम राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 देशभूषण जी महाराज के ग्रस्त अवस्था का नाम बाल गौंडा पाटिल था। आचार्य श्री का जन्म कर्नाटक प्रांत के कोथली में मगसिर शुक्ला द्वितीया विक्रम संवत 1962 को पिता श्री सत्यगौंडा पाटिल और माता श्रीमती अक्का देवी के घर हुआ था। आचार्य श्री के बारे में बताया जाता है कि वह बचपन में एक लोटा घी, आधा सेर गुड़, 3 सेर दूध और 4 कच्चे नारियल एक साथ आहार में ग्रहण कर लेते थे और आचार्य श्री शारीरिक शक्ति के साथ साथ कभी किसी भी परिस्थिति में धैर्य से विचलित नहीं होते थे। आचार्य श्री ने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और कन्नड़ माध्यम से पूर्ण करके आचार्य श्री जय कीर्ति जी महाराज के प्रवचन से प्रभावित होकर ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया और महाराष्ट्र के अतिशय क्षेत्र रामटेक में सन 1936 में आचार्य श्री जय कीर्ति जी महाराज से शुल्लक दीक्षा को धारण किया और शुल्लक 105 देशभूषण जी महाराज के नाम से विभूषित हुए। आचार्य श्री के संघस्थ रहकर आचार्य श्री को महाराष्ट्र के सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी में 8 मार्च सन 1936 में मुनि दीक्षा प्रदान की गई और मुनि श्री 108 देशभूषण जी महाराज के नाम से जग विख्यात हुए। जैन साहित्य में शोध और अनुसंधान करते हुए आचार्य श्री को गुजरात के सूरत में सन 1948 को आचार्य श्री 108 पाए सागर जी महाराज की आज्ञा से आचार्य पद प्रदान किया गया। आचार्य श्री ने अपने संयम काल में जहां हिंदी भाषा में 27, मराठी भाषा में 7, कन्नड़ भाषा में 17, बंगला और गुजराती भाषा में 1-1 साहित्य का सृजन किया, तो वहीं अपने करकमलों से 16 मुनि दीक्षा, 8 आरिका दीक्षा, 2 एलक दीक्षा, 14 शुल्लक दीक्षा और 19 शुल्लिका दीक्षा प्रदान की। इसके अलावा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को सप्तम प्रतिमा, आरिका ज्ञानमती माता जी को गढ़नी पद, आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज को एलाचार्य और आचार्य श्री बाहुबली सागर जी महाराज को बालाचार्य पद से विभूषित किया। आचार्य श्री को जैन समाज द्वारा स्पष्ट वक्ता, उदात विचारों के धनी, प्रथम राष्ट्र संत, सम्यक्त्व चूड़ामणि, आचार्य रत्न आदि उपाधि से अलंकृत किया गया। आचार्य श्री ने अपने संयम काल में सन 1936 से सन 1986 तक कुल 50 चातुर्मास संपन्न किए, जिसमें प्रथम चातुर्मास शुल्लक अवस्था में कर्नाटक के मांगुर में और अंतिम चातुर्मास कर्नाटक के सतलका ग्राम में संपन्न किया। आचार्य श्री के बारे में बताया जाता है कि आचार्य श्री भारतीय संसद में जाने वाले प्रथम आचार्य थे जिन्होंने जैन धर्म के विभिन्न पहलुओं पर सरकार से चर्चा की थी। आचार्य श्री ने चतुर्वेद संघ के सानिध्य में 28 मई सन 1987 को कर्नाटक प्रांत के कोथली ग्राम में समतापूर्वक समाधि वरण किया। भारत गौरव आचार्य श्री 108 देशभूषण जी महाराज के 37वें समाधि दिवस पर जिनवाड़ी चैनल की ओर से बारंबार नमोस्तु।